हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा जहां ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एयर और वाटर के साथ मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में थर्ड रिएक्शन होती है मेटल विथ एसिड के साथ। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे एसिड है HCl, ये है एसिड और ये हमारा है मेटल जिंक। जब भी जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा यानी मेटल एसिड के साथ, या फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा यहाँ पे सॉल्ट, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिंक ग्रैनुल्स है, जिंक के कुछ टुकड़े डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाले गए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। इस हाइड्रोजन गैस को डिलीवरी ट्यूब के सहायता से हम सोप सॉल्यूशन में ले गए और सोप सॉल्यूशन में जैसे ही जब एयर जाती है तो एयर बबल्स बनते हैं, और इस एयर बबल्स को जब हम बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखिएगा, पॉप साउंड। इस पॉप साउंड से हमें ये पता लगता है कि ये जो गैस बाहर आ रही है बबल्स की फॉर्म में, ये है हाइड्रोजन गैस। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस में कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, या फिर पॉप साउंड बन रही है किसी रिएक्शन में तो फिर वह कौन सी गैस हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पॉप साउंड हाइड्रोजन के केस में ही होती है। नेक्स्ट है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है सेम ऐसे ही जिंक ग्रैनुल्स की जगह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके जिंक ग्रैनुल्स डालते तब भी ऐसा ही होता, और एयर बबल्स आते और एयर बबल्स जो बाहर आते तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होते। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जैसे एक मेटल है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है। अब क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बनेगा और मेटल बी अलग हो जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। ये आयरन एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है। अब इन दोनों में से जो रिएक्टिव है, जैसे आयरन रिएक्टिव है तो ये यहाँ पे CuSO4 के साथ आके FeSO4 बना देगा और Cu यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये आयरन से कम रिएक्टिव है। तो कॉपर अलग हो गया और ये फेरस सल्फेट बन गया। रिएक्टिव मेटल ए इस केस में क्या था, आयरन, कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल बी, यहाँ था कॉपर, फ्रॉम देयर सॉल्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म। अगर सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये जो आयरन है कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर देगा क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और खुद बन जाएगा फेरस सल्फेट। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट कैसे जज करेंगे, ये हम अगली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमने एक सीरीज बनाई है, कुछ मेटल्स को एक ऑर्डर में रखा है जिससे हमें ये पता लग सके कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे आपको दिख रहा है के, मतलब पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। अगर मेटल सॉल्ट है मान लीजिए आयरन सल्फेट का, और उसको हमने पोटेशियम के साथ रिएक्ट किया तो आयरन अपने आप रिमूव हो जाएगा उस सल्फेट सॉल्यूशन से और पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे कॉपर था और आपने आयरन उसके साथ डाला, कॉपर था आयरन डाला, जैसे यहाँ पे अभी पढ़ा था हमने Fe था और आपने CuSO4 में उसे डाला तो बन रहा है ये FeSO4, मतलब कॉपर रिमूव हो गया और Fe इसके साथ लेके FeSO4 बना गया। तो ये कैसे पता लग रहा है, ये इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता लग रहा है। तो आइए जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, और रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये रिएक्टिविटी सीरीज का एक भी सवाल ना आए। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज का एक भी सवाल ना आए। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता लगेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज को, जितने मेटल्स हैं उन सबको याद करने का तरीका। मैंने याद करना है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से
पकाता है क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर तरफ आलू अलग पड़ता है। इसके लिए के का मतलब यहाँ पे हो रहा है पोटेशियम, एन ए का मतलब सोडियम, सी ए का मतलब कैल्शियम, एम का मतलब मैग्नीशियम, ए एल का मतलब एल्यूमिनियम, जेड का मतलब जिंक, एफ का मतलब आयरन, एफ ई है, ध्यान रखिएगा एफ ई दोनों ही यहां मिल रहे हैं हमें आयरन, एस एन का मतलब टिन, ये लेड है, पी का मतलब लेड, एच का मतलब हाइड्रोजन, सी यू कॉपर, एच मर्करी, ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड, पी टी प्लेटिनम। तो ये सारे मेटल्स हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किए हैं कि इसमें मोस्ट रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो है सिल्वर। इसको याद करने का तरीका मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर हर बार सवाल आता है। जैसे मैंने याद कर रखा है के एन ए सी एम जी ए एल जेड एन एफ ई बी बी एच सी यू एच जी ए जी ए यू, आप ऐसे अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है। एक बार और बोलते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हर तरफ आलू अलग पड़ता है। ध्यान रखिएगा बार बार बोलेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल की इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं और उन आयनिक कंपाउंड्स को हम कैटायन और एनायन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन्स, ये आयन्स है आई ओ एन एस आयन्स। मेटल जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन्स है, means they tends to lose electrons to complete its large shell octet। कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे देखते हैं एक बार। ये हमारे पास मेटल है, इसकी वैलेंसी 281 है। ये सोडियम जो है ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाऊं तभी मैं आखिरी सेल मेरा कंप्लीट हो जाएगा 28 का। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और खुद इसका चार्ज हो गया Na+। इसी Na+ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन और इसको कहते हैं कैटायन, तो सोडियम का कैटायन। सेम ऐसे ही नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स, जिसको हम कहते हैं एनायन्स। मींस दे टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट लार्ज सेल ऑक्टेट। अब क्लोरीन है, इसके पास है 287, तो क्लोरीन ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास अगर आ जाए तो मैं 288 यानी तीनों सेल के एल एम तीनों सेल मेरे कंप्लीट हो जाएं। तो इसके लिए इसे बनना पड़ेगा क्लोराइड एनायन और ये जो क्लोराइड एनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। अब ध्यान से समझिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ये इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास जिस क्लोरीन ने उसे ऐड कर लिया और यहाँ पे सोडियम का प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन का माइनस चार्ज आ गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो इन चार्जेस को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड बिकॉज इनके ऊपर चार्ज है। चार्ज ये है कि सोडियम प्लस का मतलब ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन माइनस का मतलब ये है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा था, उसने क्लोरीन को वह इलेक्ट्रॉन दे दिया। ध्यान रखिएगा शेयर नहीं किया, पूरा का पूरा दे दिया। शेयर करने पे अलग कंपाउंड बनता है जिसे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे रहा है और बन रहा है क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आप देख रहे होंगे क्लोरीन का यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉन आ चुका है और सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन फाइनली नेगेटिव हो गया और बन रहा है सोडियम क्लोराइड। इसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं क्योंकि चार्ज है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस स्लाइड को थोड़ा सा पीछे करेंगे और ध्यान से इसको एक बार और देखेंगे तो आपको कन्फर्म होगा कि मेटल और नॉन मेटल में जब भी रिएक्शन होती है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल हमेशा उस लूज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब हमने पढ़ लिया है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। हमें ये पता है कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल। मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो उस केस में बनता है आयनिक कंपाउंड। और ये जो आयनिक कंपाउंड है
इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल नेचर अगर देखें, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। आपने पिछली स्लाइड में देखा कि सोडियम प्लस है और Cl माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपस में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस कारण से इनका जो फिजिकल नेचर है वो हार्ड और ब्रिटल हो गया है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, ये आसानी से एक दूसरे से दूर नहीं होते, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद ये मेल्ट या फिर बॉयल होना शुरू होते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल इन वाटर हैं, मतलब पानी में आसानी से घुल जाते हैं, बट इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलते ऐसे सॉल्वेंट्स में जैसे कैरोसिन है और पेट्रोल है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास फ्रॉम देम इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म ओनली। इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से पास होती है सिर्फ मोल्टन स्टेट में, अगर ये लिक्विड में है तो पास होती है, या फिर इन्हें किसी लिक्विड में डाल दिया जाए तो ही पास होगी, अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ध्यान रखिएगा आयनिक कंपाउंड की ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, चार नहीं पांच प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने एक साथ लिख रखा है, तो आयनिक कंपाउंड की ये जो प्रॉपर्टी हैं ये तीन मार्क में सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछी गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप पीछे वाली स्लाइड को दोबारा से देख सकते हैं, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसको आप और फ्रेंड्स को भी बता सकें, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच।